जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, आप सब अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। साथियों, करनी भी चाहिए, क्योंकि जो नए बंदे हैं वो आर्मी के लिए साथियों जुट जाएं। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है साथियों, जीमेल। साथियों, कल से हमारे पास बंदे कमेंट किए थे, साथियों मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन साथियों कुछ बंदे के फोन पे साथियों जीमेल पे साथियों मैसेज आ रहा था कि उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। लेकिन साथियों, अब इस पे आप ठगे भी जाओगे, क्योंकि जो बंदे देखो आज में सब एक आम बात हो चुकी है साथियों, हल्ला माहौल बना देते हैं कि पैसा लगता है। साथियों, कुछ पैसा सब कुछ नहीं लगता फौज में, एकदम जिसमें दम है साथियों वही होगा। हाँ, मैं मानता हूँ आपको, जैसे वाराणसी यारों में ऐसे ऐसे कुछ बंदों के कॉल भी आए थे हमारे पास, सर जी अंदर से कॉल आ रही है पैसे के लिए। साथियों, कुछ मत देना उनको, कुछ मत देना, आपका खुद से सिलेक्शन होगा, सबके पास नहीं कर रहे। जो जिस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका नंबर अच्छा जान रहे हैं साथियों, उन्हीं के पास कॉल कर रहे हैं, उनसे दूर रहना। साथियों, हम आएंगे जीमेल पे बात करेंगे, जीमेल पर क्यों हो रहा डॉक्यूमेंट वेरीफाई। साथियों, जैसे आपको हम बता दे रहा हूँ साथियों, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथियों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एक बंदा हमारे पास, कई बंदे ने कॉल किए, सर जी उस हमारे दोस्त के जीमेल पे मैसेज आया, लेकिन हमारे जीमेल पे मैसेज क्यों नहीं आया, क्या सर जी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हो सकता है आपके निवास और जाति एनसीसी वाले के बंदे के पास मैसेज जा रहा है साथियों, जिसे एनसीसी क्या हुआ, जिसे उनका वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कैसे कर रहे हैं साथियों, या हो सकता है उनके जैसे बंदा क्या है, जिसे एनसीसी कर रहा है और बी भी लगाया, सी भी लगाया, लेकिन साथियों वो सिर्फ उसके पास बी सर्टिफिकेट है, इसीलिए वेरीफाई कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए वेरीफाई कहीं कहीं किसी किसी यारों का कर रहे हैं और कुल का नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ ये क्लियर है, हर एक यारों वाइज कुछ बंदों का कर रहे हैं साथियों। जैसे अमेठी यारों के बहुत से बंदों का कॉल आया, झुंझुनू यारों से बंदों का, राजस्थान से भी कॉल आ रहे थे कि सर जी हमारे भी नंबर क्यों वेरीफाई हो रहे हैं, इस पे क्या क्या सर जी हमारा सिलेक्शन हो गया, इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं। अगर जैसे आप ऑनलाइन के समय या आप पहले जब रजिस्ट्रेशन कराए थे, उसमें निवास लगाए थे, ओरिजिनल निवास लगाए थे जहां के निवासी थे, लेकिन साथियों अब जहां पे आप भर्ती देख रहे हो, जहां से भर्ती देख रहे हो, वहां पे नया निवास बनवा के देख रहे हो, निवास पुराना है। ऑनलाइन के समय आपने क्या किया था, पुराना निवास लगाया था, या रजिस्ट्रेशन के समय पुराना निवास लगाया था आपका, हो गया था, लेकिन अब आप साथियों क्या किए, भर्ती के टाइम आप फिर से दूसरा नया निवास बनवा लिया साथियों, इसलिए वो वेरीफाई कर रहे हैं। जिसे पिछले साल क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, पिछले साल क्या हुआ था, जैसे बंदा था राजस्थान का रहने वाला, देखा था महाराष्ट्र में भर्ती, था यूपी का रहने वाला, देखा था राजस्थान में भर्ती, पंजाब में भर्ती, यहाँ भर्ती, हो सकता है राजस्थान के पूरे यारों की बात कर रहा हूँ, था यानी कि था किसी और यारों का, देख रहा था किसी और यारों का बंदा भर्ती, लेकिन साथियों उसका सिलेक्शन भी हो गया। लास्ट पॉइंट पे साथियों किस पे छटा था, वो डिस्पैच भी हो गया, डिस्पैच भी हो गया, लेकिन साथियों ट्रेनिंग के समय आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन। जब उस बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ साथियों, जब पुलिस वेरीफाई हुआ, तो उस बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब थाने में आया साथियों, तो वहां पे मुहर लगाने से पहले आपको वो जांच पड़ताल करते हैं, क्या ये बंदा यहाँ का निवासी है। जब वो उसके गांव में आए, तो गांव में उसका नाम कुछ था ही नहीं, इसलिए साथियों उसे ट्रेनिंग से बाहर करना पड़ा साथियों। इसलिए फौज इस बार क्या कर रही है, यह पिछले साल क्या हुआ था साथियों, डिस्पैच के समय ये होता है कि साथियों आप खुद अपडेट पाते रहते हो न्यूज के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से, साथियों अकेडमियों के माध्यम से, कि यहाँ पे फर्जी वाले बंदे पकड़े गए। तो फर्जी वाले बंदे कौन होते हैं साथियों, जैसे मैं अमेठी यारा का हूँ, जाके आगरा यारों में रेस देख ली, मार दी। लास्ट में साथियों जब हमें डिस्पैच करते समय, जब पुलिस वेरिफिकेशन सब वेरीफाई किए, तो हमें क्या निकला कि हम अमेठी यारों के हैं, तो हमारा डिस्पैच रोक दे। इसलिए साथियों फौज ने पहले से निवास जाति पे ठोस कदम उठा के सबसे पहले वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये बंदा यहाँ का है, कहाँ का है, ये सब वेरीफाई कर रहे हैं। जब आपका एकदम सही है, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना उस बंदे का वेरीफाई हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। साथियों, किसी का होता है, किसी का नहीं होता। हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट पूरा सही हो, लेकिन ये भी घबराना मत कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या सर जी गलत है, इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। साथियों, सबका सिलेक्शन होगा,
जितना मेरिट बताया था साथियों आसपास उतना ही मेरिट जाएगी, जो कहते हैं फौज की मेरिट क्लियर नहीं कर सकते। जैसे जो बंदे हमारे पास कॉल करते हैं साथियों, वो बोलते हैं सर जी हमारा 163 बन रहा है, क्या आगरा यारों से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहता हूँ हाँ दोस्त आपका हो जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा सिलेक्शन कॉल जरूर कर लेना एक बार, ताकि हम भी जान जाए हाँ यार 163 तक बंदे का इस नंबर था, इसका सिलेक्शन हो गया। साथियों जैसे मेरठ यारों के जो बंदे थे जिसका डिस्पैच हो गया, वो बंदे बोले थे सर जी हमारा 158 बन रहा है, सर जी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बोला था हाँ यार हो जाए, क्यों दिल तोड़ूं यार किसी का, मैंने बोला था हाँ यार हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। जब आप साथियों मेहनत की हो, अच्छे से ढंग से मेहनत की हो, जब आप 157-158 तक स्कोर खड़े किए हो, अपना नंबर ले जाके खड़ा किए हो साथियों, आपके पीछे न जाने कितने बंदे होंगे, इस पर भी गौर किए। आप भी मेहनत करो, अगला भी बंदा जीव जान लगा के मेहनत कर रहा है साथियों, जब उस आपका स्कोर इतना है तो उसका भी यह हो सकता है 2-3 नंबर ज्यादा हो, या हो सकता है 2-3 नंबर कम भी हो सकता है, ये भी तो क्लियर है साथियों। जितना है सब कुछ सही है, सटीक है, आपका सिलेक्शन भी होगा। मैं जानता हूं आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी साथियों, किसी का वेरीफाई हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी के जीमेल के माध्यम से, इससे घबराना नहीं है। लेकिन साथियों दलालों से सावधान रहना, कुछ बंदे हमें 3 शॉट मार के भेजे थे, उनका RMDS नंबर भी था और उनका नाम भी था। साथियों आपको जीमेल के माध्यम से रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आपको सीधा ज्वाइन इंडियन आर्मी पे साइट पे आएगा, सब फाइनल रिजल्ट पे चेक करते रहना साथियों। जहां तक उम्मीद है कि 15 तारीख तक रिजल्ट आने का संभावना है, होप अब क्योंकि अब आना भी चाहिए, क्योंकि साथ में बहुत काफी देर हो गया, नई भर्ती से पहले दे देना था, लेकिन पता नहीं इनका सिस्टम पता नहीं क्या कर रहे हैं फौज वाले, इस बार पहले 20-25 दिन के अंदर पूरा रिजल्ट क्लियर कर देते थे, डिस्पैच भी 4-5 दिन के बाद होना स्टार्ट कर देते थे, 15 दिन बाद डॉक्यूमेंट बनाने के बाद। ठीक है साथियों, हमारी क्लास भी चल रही है, जो बंदे नए हो क्लास भी लेते रहना, नेक्स्ट भर्ती की तैयारी भी करते रहना। इस एक ही लक्ष्य लेके ना बैठो कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोस्त आप पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि अगर इधर हुआ नहीं फिर नेक्स्ट भर्ती आपके लिए लगी है, हो सकता है एज लिमिट के लिए सरकार को प्रस्ताव भी मिला है, दे सरकार तो अच्छा है, नहीं देख जैसे होगा आपको अपना चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल अपडेट देगा। ठीक है साथियों, अभी चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने साथियों तक जरूर कमेंट कर जरूर शेयर करना साथियों, जो बंदे उल्टा सीधा थोड़ा कमेंट भी कर देते हैं साथियों, और जिनकी मर्जी है जो चाहे वो करें, लेकिन साथियों जो हमारी मर्जी है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय।